हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ये देखिए, सवेरे का समय है, मन्नू उठ गया है, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है उसे। तो आलस उतारने के लिए ना मोबाइल दे दिया है हाथ में, और आज धूप बहुत तेज़ निकल रही है, लग रहा दिन में काफ़ी गर्मी पड़ेगी। और मैं बनाने जा रही हूँ इस समय पोहा, मन्नू भी खा लेगा थोड़ा सा स्कूल जाने से पहले, तो चलो बनाते हैं पोहा। काफ़ी जल्दी उठ गए हम लोग, तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई है। तो पोहा बनाने में ये सारी सब्ज़ियाँ यूज़ करेंगे तो बच्चों के लिए सही रहता है, सब्जियां चली जाती हैं उनके पेट में। तो चलिए बना रहे हैं। देखिए, राई से छौंक दिया है, जीरा और राई से तड़का मार दिया है, और उसके बाद अब गाजर और शिमला मिर्च, और आप देख रहे होंगे आलू भी है इसमें हल्का सा। इसी तरह से ना टमाटर है, थोड़ी थोड़ी सब सब्जियाँ मिक्स कर लेते हैं। और ये पोहा मैंने भिगो दिया था काफ़ी देर पहले, और उनको अच्छे तरीके से, अब ये सब्जियाँ हैं सारी ना, तो मैं इसको इस तरह से भून लूँगी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी, तो इसका ना कन मर जाएगा, ये थोड़ी सी बॉयल्ड हो जाएंगी, क्योंकि पोहे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो भूनते भूनते ही बन जाएगा। तो इन सब्जियों को थोड़ा सा कर ले रही हूँ मैं नरम, और उसके बाद हम इसे चटनी से और चाय से करेंगे सर्व इन सबको, और मन्नू को भी। तो मन्नू को पोहा अच्छा लगता है, लेकिन वो मूँगफली के दाने नहीं खाता है, लेकिन मैंने भून के रख लिए हैं अलग, वो हम डाल लेंगे। थोड़ा सा इसका निकाल दूँगी, उसके बाद ही डालूँगी, जल्दी नहीं डालूँगी। और आज पोहे में मैंने देखिए रेडीमेड मसाला नहीं डाला है, अपने हल्दी मिर्ची के ही बनाए हैं पोहे। मसाला रेडीमेड वाला भी अच्छा लगता है, और घर के बनाओ तो भी अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह से मिला लिए हैं खूब अच्छी तरह से, और बन के हो गए हैं रेडी। अगर आप लोगों को पोहा खाना है तो आ जाइए, सही रहता है, ये लाइट वेट नाश्ता हो जाता है पोहे का। तो अब इन सबको मैं दे दूँ पोहा, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए करते हैं नाश्ता, और नाश्ता हो गया है और मन्नू हो गया है तैयार, ये देखिए स्कूल जाने के लिए। तो अभी भी ये मोबाइल में ही लगा हुआ है, इसको मोबाइल का बहुत ज़्यादा चस्का लग गया है ना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता रहता है। शिवांगी अपने किचन के काम निपटा रही है, और मैं इन लोगों का वीडियो बना रही हूँ। मैं भी अब नाश्ता तो हो चुका है हमारा, थोड़ी देर मशीन रखूँगी, क्योंकि जब काम जल्दी निपट जाता है तो फिर खाली हो जाते हैं, तो चलो मशीन रखते हैं। वैसे सोच रहे हैं घर में पुताई वगैरह करा लें, तो देखते हैं क्या होता है। और आज जब धूप तेज़ है तो मैंने सोचा चलो साड़ी वगैरह निकालती हूँ बॉक्स में से, और उनको थोड़ा सा धूप में रख के ना, और उसके बाद इसमें फिनाइल की गोलियाँ डाल के, और फिर बैग में रखती हूँ। ये मीशो से मैंने बैग मंगाए थे, काफ़ी अच्छे निकले हैं, अभी तक फटे नहीं हैं ये। तो कितना वजन होता साड़ियों में, उसके बाद भी अभी ये चल रहे हैं, और एक एक बैग में ना 10-10, 12-12 साड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, ये फिरोजी वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये मैंने सन्नी की शादी में ली थी, और ये मैंने उसकी बारात में पहनी थी, और उसके बाद मन्नू के होने पर पहनी थी। तो ये तब से ऐसी रखी है, मैंने सोचा आज लाओ इसको थोड़ी सी धूप दिखा के रख दें। ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, सोच रही हूँ मन्नू की बहू के लिए उठा के रख दूँ, हंस रही हूँ मैं, कह रही हूँ शिवांगी से इसे उठा के रख दूँ, तो वो हंस रही है। आजकल तो ना कपड़ों में भी कीड़े लग जाते हैं और वो छेद कर देते हैं ना, तो किसी भी कपड़े को रखना मजाक नहीं है। देखेंगे कोई ट्रिक जिससे कपड़ों को कीड़ा ना लगे और कपड़े रख दें संभाल कर, और वो लॉन्ग लाइफ चलें। तो ये साड़ी के बाद देखिए, ये पीली वाली साड़ी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये साड़ी मैंने मोनू की अपनी जीजी के बेटे की शादी की गोद भराई में पहनी थी, ये हाँ गोद भराई में पहनी थी, और एक दो बार पहनी थी उसके बाद से रखी है। और ये पहनी थी मैंने भैया के बेटे की शादी में, तो ये तो बस एक बार पहनी है, उसके बाद से ये ऐसी रखी। ये बहुत ज़्यादा भारी साड़ी है, तो इसलिए मैं इसे पहनना नहीं चाहती, इसमें वज़न बहुत है, शायद इसमें 7-8 किलो वज़न होगा। और ये मैंने ली थी अपने भाई की शादी में, मेरी बहुत पुरानी साड़ी है ये जाल वाली है, लेकिन ये अच्छी बहुत लगती है। और ये ली थी मैंने सन्नी की शादी पर, इसे मैंने पहना था उसकी गोद भराई में, और उसके बाद से एक दो बार पहनी है, फिर कोई भी साड़ी ज़्यादा नहीं पहनी है। ये साड़ी मैंने बहुत ज़्यादा पहनी है, ये मेरी बहन ने मुझे दी लाकर दी थी, और ये भी मेरी बहन ने मुझे लाकर दी थी, तो ये भी मैंने बहुत पहनी है। ये प्रिया की गोद भराई में पहनी थी मैंने। ये सारी साड़ियाँ ऐसी रखी हैं, या तो किसी को बांट दो या फिर ये ऐसी रखी रहें तो फिर बेकार हो जाती हैं साड़ी। ज़्यादा साड़ी लेने का भी यही है, उस समय ना ये जो स्टोन की और मोती की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती थी, जो इस समय तो कम हो गई है। इस समय बनारसी का फैशन चल रहा है, और ये देखिए रेशम बॉर्डर की साड़ी है, ये ली थी मैंने प्रिया की शादी में, ये उसमें पहनी थी, एक दो बार और पहनी है, उसके अलावा नहीं पहनी है, ज़्यादा नहीं पहन पा रही हूँ। और ये वाली काली मैंने जीजी की बेटी की शादी में ली थी, और ये मैंने उसके टीके में पहनी थी, और ये भी मैंने अपने भाई की शादी में ली थी,
और ये भी मैंने तभी पहनी थी फंक्शन में उसके, और ये मैंने ली थी अपनी बहन के यानी अपने भांजे के, जो मेरी बहन बरेली में रहती है, उनके बेटे की शादी में। ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसका वजन है 10 से 11 किलो के बीच में, बहुत भारी साड़ी है और इसकी कढ़ाई बहुत भारी है। तो इसका कलर और इसकी कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन इसमें ना हल्के हल्के से निशान पड़ने लगे हैं, कथई कथई से, पता नहीं काहे के बन जाते हैं, और हल्के से छेद होने लगे हैं। तो इसको मैंने जो है देखकर धूप में डालने के लिए रख दिया है, तो थोड़ी देर धूप में रखूँगी। धूप में डालने में भी बंदरों से डर लगता है, तो भाई ये सब साड़ियाँ देख रही हूँ, आज का टाइम इसी में निकालूंगी। और मनु स्कूल से आने के बाद खेल रहा है, देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अब मैंने इसको इधर बैठा दिया है तो ये खेल रहा है, इसको खिलौने दे दिए हैं, नहीं तो ये मोबाइल में ही लग जाता है, और खेलने के बाद ये मोबाइल पे ही भागेगा, मुझे पता है। और सनी की भी तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक है, तो इस समय वो भी घूमने गया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, आज के व्लॉग में बस इतना ही। सही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, आजकल बुखार बहुत चल रहे हैं, तो बचकर रहिए, संभाल कर रहिए और संभाल कर ही रखिए सबको। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।